साथ पबजी लाइव देख रहे हैं आप। ट्राई वाला कहने के लिए तो बस एक शब्द है, लेकिन देश की राजनीति में इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि इस एक शब्द को भुनाकर मोदी प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि विपक्ष ने चाय वाला शब्द को मोदी के खिलाफ कटाक्ष की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन मोदी ने इसे हथियार बना लिया। लेकिन जब मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचे तो फिर विपक्ष ये साबित करने में जुट गई कि मोदी कोई चाय वाला नहीं है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये तो मोदी जी या फिर उनके घर वाले ही जानते होंगे, हम और आप क्या जाने। लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों से पहले देश में चाय वाला का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। चाय जितनी गर्म होती है उतना ही गर्म हो गया है ये चाय वाला का मुद्दा। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित सिंह ने फिर से मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि वे गुजरात के किस स्टेशन पर चाय बेचा करते हैं। सवाल किया गया है उससे नरेंद्र मोदी से, उन्होंने कहा कि सिर्फ जुमले और भावनात्मक बातें करने से जनता को नहीं ठगा जा सकता है। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र में काम नहीं प्रचार करने वाली पार्टी की सरकार है, इसलिए इस सरकार एवं इससे जुड़े नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भावनात्मक बातें फैलाकर एवं बयानबाजी करके विकास नहीं किया जा सकता। ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी जनता की भावनात्मक पहलू को भुनाने के लिए चाय वाला की रट लगाते रहते हैं ताकि गरीब वर्ग के लोगों का झुकाव उनकी तरफ बना रहे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जनता को झांसे में लेकर सत्ता में बने हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि आज देश की जनता भाजपा से पूरी तरह से उब चुकी है और आगामी चुनावों में भाजपा की विदाई तय है। जाहिर सी बात है कि अगर मोदी सत्ता से हटते हैं तो फिर नीतीश कुमार पीएम की कुर्सी और ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। ऐसे में ललन सिंह ने मौके की नजाकत को समझते हुए जहां मोदी की आलोचना की तो वहीं नीतीश का गुणगान भी किया है। जी हाँ, ललन सिंह ने कहा कि बिहार ने हर समय देश का आईना दिखाने का काम किया है, देश को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सभी वर्ग के लिए और सभी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश जी की कई योजनाओं को बाद में केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ लागू किया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने महिलाओं को सशक्त किया है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश जी ने 2005 में महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया। ललन सिंह ने कहा कि आज पूरे भारत में बिहार में सबसे अधिक महिलाएं पुलिस सेवा में हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल, पोशाक, हर घर बिजली कनेक्शन, हर घर नल का जल सहित कई योजनाएं बिहार ने अपने यहाँ लागू की और बाद में केंद्र ने भी अपनाया। जी हाँ, इनका कहने का मतलब यह है कि जो योजनाएं हैं वो पहले बिहार में लाई गई, पहले बिहार ने लागू की, उसके बाद केंद्र ने उसे अपनाया, उसके बाद केंद्र ने उसे लागू किया। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी सरकार गठन के बाद 10 से 15 लाख रुपए खाते में देने, 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया, लेकिन सिर्फ प्रचार तंत्र का विस्तार हुआ। इसलिए ऐसे लोगों से आने वाले दिनों में सावधान रहने की जरूरत है, ये ललन सिंह कह रहे हैं। इस तरह ललन सिंह ने मोदी की चाय वाले की छवि और उनके शासन पर जमकर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने जनता से गुजारिश भी की है, जी हाँ, गुजारिश की है उन्होंने जनता से कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। अब देखना ये है कि ललन सिंह के इन हमलों पर भाजपा कैसा रुख अपनाएगी। रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से कहेंगे कि ललन सिंह ने जो देशवासियों से यानी आपसे जो गुजारिश की है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।